हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गणपति बप्पा के लिए पनीर के मोदक। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। ये एक कटोरी पनीर है दोस्तों, और ये घर का पनीर बना हुआ है। और पनीर बनाने का वीडियो आपके आई बटन पे आ रहा होगा, आप उसे देखकर घर में आसानी से पनीर बना सकते हैं। और मोदक बनाने के लिए आप मार्केट का भी पनीर ले सकते हैं। अब इसका हमें पेस्ट बना लेना मिक्सी है। जार में पनीर डाल देंगे और इसका चिकना पेस्ट तैयार कर लेंगे। पनीर का चिकना पेस्ट तैयार है। अब लेंगे एक मोटे तले का पैन या कढ़ाई ले लेंगे और फ्लेम लो रखेंगे। अब इसमें डाल देंगे हाफ चम्मच घी। घी पैन में अच्छे से फैला लेंगे ताकि पनीर चिपके नहीं। अब इसमें डाल देंगे पनीर का पेस्ट, जिसे अभी हमने पीस कर तैयार किया है। पनीर को 4-5 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए और इसका पानी भी हल्का सूख जाए। 2-3 मिनट पनीर भूनने के बाद इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी एक छोटा कटोरी से, आधा कटोरी से भी कम डालेंगे, इतना में ये परफेक्ट मीठा हो जाएगा। वैसे चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे चीनी मेल्ट होने तक। चीनी मेल्ट हो गया है, अब यहीं पे हम डालेंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और एक स्मूथ सा डो तैयार हो जाएगा। अब इसे मिक्स करेंगे। बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम ज्यादा नहीं लगता है। इसे आप कभी भी आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये आसान सा रेसिपी कैसा लगा। अब गैस ऑफ कर देंगे और ये देखिए डो हमारा मोदक का बन के तैयार है। अब इसे हल्का ठंडा होने देंगे। डो हल्का ठंडा हो गया है। अब इसमें मिक्स करेंगे कूटा हुआ छोटी इलायची, थोड़ा सा डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से घी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और डो के जैसा तैयार कर लेंगे। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा। डो हमारा तैयार है। अब चलिए मोदक तैयार कर लेते हैं। मोदक सजाने के लिए थोड़ा सा पिस्ता रख लिए हैं और ये है मोदक का मोल्ड। ये छोटे साइज का है मेरे पास दोस्तों, अगर आपके पास बड़े साइज का है तो आप उससे ही बनाइएगा, उसमें और ज्यादा सुंदर मोदक तैयार होता है। अब इसमें हल्का हल्का घी लगा लेंगे और थोड़ा सा पहले पिस्ता रख लेंगे और छोटा छोटा पोर्शन पनीर का उठाएंगे और इस तरह से इसमें भर लेंगे। बहुत आसान है बनाना, बहुत आसानी से बन जाता है। और इस तरह से इसे मोड़ देंगे। इस तरह से इसे मोड़ लेंगे और जो एक्स्ट्रा जो भी है पनीर का मिक्सचर उसे निकाल देंगे और यहाँ पे इसे बराबर कर लेंगे। और ये देखिए टेस्टी सा पनीर का मोदक हमारा बनके तैयार है। और इसी तरीके से सारे मोदक हम तैयार कर लेंगे। टेस्टी और खूबसूरत पनीर का मोदक हमारा बनके तैयार है दोस्तों, आप भी इस गणेश चतुर्थी पे जरूर बनाइएगा।